शुक्रिया, कृपया आप राजमान हो जाइए, शुक्रिया। अर्चना जी, कहते हैं हर इंसान में एक टैलेंट होता है और लेडीज का टैलेंट के मामले में एक कदम हमेशा आगे रहता है। आप देख लो मोबाइल में जो कैमरा आते हैं वो आते हैं फोटो खींचने के लिए। ये लेडीज का कमाल है कि उसी कैमरा में देख के ऑटो में बैठी बैठी अपनी लिपस्टिक लगा लेती हैं। और मजाल है, एक इंच भी इधर से उधर हो जाए बिल्कुल वो अलग बात है, लेडीज को देखने के चक्कर में ना ऑटो वाला कभी कभी फुटपाथ पे चढ़ा देता है। अच्छा आप देखो, आम घरों में लेडीज आदमी का दिन भर वेट करती हैं और आदमी शाम को आके ना मोबाइल खोल के बैठ जाता है। ये लेडीज का टैलेंट है, बिना अपने आदमी को कुछ कहे उसका मोबाइल रखवा देती हैं। कैसे रखवाती हैं? वो आदमी ने मोबाइल खोला, वो बगल में बैठे बच्चे को थप्पड़ मारेंगी, कब से मोबाइल लिए बैठा है, दुनिया में और भी कोई है? आदमी झट से मोबाइल रख देता है। और सुनाओ भाई, कैसा रहा दिन? आदमी की टांगे कांप जाती है, बीवी भड़क जाए तो। लड़कियों का असली टैलेंट तब पता चलता है जब ये स्कूटी लेके बाहर निकलती है ना। हाँ। जैसे हमारी अर्चना जी ना, ये बाएं इंडिकेटर देके दाएं मुड़ जाती हैं। और पुलिस वाला रोक ले तो उसको, किसी की माँ बहन को रोकता है तेरी इतनी मजार? बंदा कहता जाओ अम्मा जाओ, अपनी गलती मानती नहीं कभी। अच्छा। ये दिनेश भी अपनी गलती कभी नहीं मानता। एक दिन इसकी जेब से वो लेडीज की नथ निकली जो नाक में पहनती ना, इसकी बीवी ने पूछा किसकी है? कहता मेरी है और किसकी। अब अपनी बात को सच्चा साबित करने के चक्कर में 3 साल नथ पहन के घूमता रहा ये। अच्छा एक टैलेंट होता है बार में जो ड्रिंक सर्व करने वालों का। हाँ। वो ग्लास में ड्रिंक डाल के ना कभी टांगों में निकाल के कम ऑन ये। अच्छा जिसने ऑर्डर किया होता ना शराबी ने, उसको टेंशन होती है कि मैंने 60 ml ऑर्डर किया, 30 ना रह जाए कहीं। टैलेंट टैलेंट की बात है। हेलो, तो हेलो 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 एवरीवन। अरे हेलो, चल उधर, तू इधर क्या करने आ रहा? दुकान खोली नहीं, आ गए मांगने वाले। यार तुमने तो कहा था कि राजू ऑडियंस का दिल नहीं लगता तेरे बिना आता जाता रहा। तू बड़ा ऑडियंस की गर्लफ्रेंड है जो तेरे बिना दिल नहीं लगता उनका। मैंने कहा था तब आना जब मैं कहता हूँ ना, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, उसके 30 सेकंड पहले आना तूने। अच्छा तेरा आता हो गया। हाँ चल अब जाता कर, चल ये फालतू में। यार कपूर शर्मा एक बात कहो, इतना अच्छा तुम परफॉर्म कर रहे होते हो, अचानक मुझे देख के ये नर्वस क्यों हो जाते हो? पजामा तेरा कांप रहा है और नर्वस मैं होता हूँ? अर्चना जी मुझे ना कॉमेडी के 8 रस आते हैं। जा गन्ने का रस भी जाके 8 रस तुझे आते हैं। फालतू में कौन से 8 रस कॉमेडी के? जैसे स्लैपस्टिक कॉमेडी। अच्छा मान लो ये केले का छिलका पड़ा है। हाँ। और मैं देखूंगा मुझे लगेगा ओह माय गॉड अब तो गिरना पड़ेगा, यो ऐसे दिस इज कॉल्ड स्लैपस्टिक। अब बिना बोले कॉमेडी करनी हो दैट इज अ फिजिकल कॉमेडी। जैसे माय दर्शकों हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। ऐसे लोग कभी भी पास से गुजरे तो घबराना नहीं है, ये प्यार के भूखे हैं, ये काटते नहीं है। जा चला जा। कपूर शर्मा तुम ना इस जन्म में मेरा टैलेंट समझ ही नहीं सकते हो। तुम एक काम करो, एक जन्म और लो। अच्छा मतलब अगला जन्म भी तुझ पे वेस्ट करूं मैं? वाह, इसे वेस्टेज नहीं कहते हैं, दिस इज इन्वेस्टमेंट। आय हाय कपूर शर्मा, मैं तुम्हारी वो FD हूँ जिसका फायदा तुम्हें 15 साल बाद होगा। 25 साल तो हो गए मुझे देखते, कब होगा तेरा फायदा? कोई ऐसा काम क्यों नहीं करता जिससे तेरी पेंशन लगे और मेरी टेंशन कम हो? तेरे को मैं एक अच्छा काम लगवाता हूँ। हाँ ठीक है, बड़ा सिंपल काम है। ठीक है, कोयले वाली प्रेस आती ना जो। हाँ, हाँ। स्त्री। हाँ। मगरमच्छ होते ना। हाँ। उनके कांटे होते हैं। हाँ। उनको फ्लैट करना है प्रेस कर करके। ठीक है, फिर तेल लगा के मगरमच्छ को पानी में छोड़ना है, साथ में स्टिकर लगा देना है मेड इन इंडिया। चाइनीज मिक्स हो जाते ना समंदर में। यार मैं मतलब मगरमच्छ गंजे करके पानी में फेंकूं? यार मेरी तरफ देखो, मेरे स्टैंडर्ड का काम बता। तेरे स्टैंडर्ड का बताता हूँ फिर। रात को गाड़ियों के पीछे जो कुत्ते नहीं भागते जोर जोर से भोगते जिनके गले बैठ जाते हैं। हाँ। उनको सुबह उठ के गर्म पानी से गरारे कराने तूने। यार फिर तो रात को वो सुसु भी करते हैं, उनको कच्चे भी डलवा दूं मैं। यार ये वो तेरा टैलेंट है। यार ये क्या है, अब मैं कुत्तों को गरारे कराऊंगा? क्या कुत्ते तुझे गरारे करवाएं? कर ले, तुझे काम दिलाता तो करता नहीं तू। यार कोई ढंग का काम नहीं आता तुम्हें? एक काम कर, वर्क फ्रॉम होम देता हूँ तुझे। ठीक है, तुझे रबड़ खानी है, रबड़ खानी उबाल के और मुंह से हवाई चप्पल निकालनी है। यार मुंह से हवाई चप्पल कैसे निकलेगी?
उल्टा कर लेते हैं। हाँ? तूने हवाई चप्पल खानी है और रबड़ निकालनी चाहे कहीं से भी निकाल। सुनना अब... यार एक काम मैं बताता हूँ। हाँ। ठीक है। हाँ। आज आ रही है पिलगोंकर फैमिली। हाँ। ठीक है, देख आज तू कर रेस्ट। हाँ। उनकी इंटरव्यू मैं करता हूँ। कॉन्फिडेंस देखो इसका। कॉन्फिडेंस बहुत है मेरे में, तू एक मौका दे, देख फिर इंटरव्यू कैसी होती है। आज सुहागरात वाले दिन पे भी ना बैठ के मार रहा है। हाँ, बैठ के मारी। इसकी बीवी ने घूंघट उठाया, कहती तुमको सुहागरात में गोल्ड मेडल लाना है। अजीब ही हरकत है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसकी बीवी ने हल्दी वाला दूध दिया, इसके आंसू निकल आए। कहता दीदी आज तक किसी ने पानी नहीं पूछा, आप दूध पिला रही, वो भी हल्दी वाला। इसकी दुआएं निकल गई। कंजूस आदमी ना, अच्छे खासे पैसे कमाता है फिर भी इतने कंजूस ना। इसकी जब स्वागत है, इसकी बीवी कहती आपने फूल नहीं लगाए। कहता वो माली बीमार था। कहती दूध का गिलास भी नहीं है, भैंस बीमार थी। फिर इसने अपनी बचपन की फोटो दिखाई, कहता ये देखो जब मैं पैदा हुआ था। इसकी बीवी कहती लगता है आपके पापा भी बीमार थे जो ऐसा प्रोडक्ट हुआ है। जा यार, वो मेहमान आ गए। तो मतलब मुझे इंटरव्यू नहीं करने दोगे तुम? ओ जा, मैं तुझे नाश्ता ना करने दूं, इंटरव्यू करने देना। जा यार फटाफट, जा जाओ यार। नहीं, जा यार प्लीज। दादा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के साथ में, परिवार के साथ। और ये भी तो परिवार ही है। जी दादा, लव यू दादा। अच्छा आप सब जानते हैं सचिन दा को, आप देख रहे हैं कई सालों से एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने काम शुरू किया था, है ना, एक्टर के तौर पे। और नदिया के पार में ये ताजा ताजा जवान हुए थे और तब से लेके आज तक ये ताजा भी हैं और जवान भी हैं। देखो तालियां बनती हैं इनकी फिटनेस पे। दादा दादा कभी आपको पासपोर्ट बनवाना हो या लाइसेंस बनवाना हो तो नई फोटो लगती है कि नदिया के पार वाली चल जाती है, क्योंकि कुछ खास फर्क नजर नहीं आ रहा हमें। नहीं, नई फोटो बता के मैं पुरानी फोटो चिपका देता हूँ, पता भी नहीं चलता किसी को, पता नहीं चलता। एक और प्रॉब्लम होती है कि आज भी एडल्ट फिल्म जब देखने जाता हूँ तो आईडी दिखाना पड़ता है। Oh my God. अच्छा। प्लीज, आपसे कितना सीखा है देखा देखो ना? आप दादा कमाल है। मतलब मैंने और दादा ने, मेरा सौभाग्य है कि मुझे दो टीवी शोज दादा के साथ करने का मौका मिला। एक में दादा जज थे और मैं होस्ट करता था, कागजों में होस्ट था, लाइनें सारी जूही बोल जाती थी। तो एक म्यूजिकल शो था जिसमें मैं और दादा हम पार्टिसिपेट कर रहे थे। दादा उस समय आपने सोचा था कि जिस आदमी के साथ मैं कम्पीट कर रहा हूँ एक दिन उसके शो में फैमिली के साथ जाऊँगा? बिल्कुल ही नहीं सोचा था मैंने, क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दादा एक एक अंदर की बात है, नॉर्मली क्या मैम दो एपिसोड होते थे हमारे ना, सुबह 7 बजे शुरू हो जाता था और दूसरा एपिसोड जो फिर शाम को होता था, तो दूसरे में सब थके थके होते थे। हाँ। दादा का उल्टा था। अच्छा। दादा दूसरे में बड़े एनर्जेटिक हो जाते थे। दादा उसका क्या रीजन था? क्या है, अगर ये बात कपिल ने खोली है तो मैं पूरी तरह से खोल दूं। जी, सेलिब्रिटी शो था वो। हाँ। कि सेलिब्रिटीज कैसे गाते हैं। अच्छा। मैं कहता था मेरा गाना जो है वो पहले एपिसोड में ले लो ताकि मैं फ्री हो जाऊं और बैठ जाऊं, क्योंकि बाकी दूसरे एपिसोड में दूसरों के गाने सुनने के लिए मुझे बैठना तो पड़ता है। जी, तो इन लोगों के गाने मैंने कहे सब जूनियर लोग हैं, इनके गाने आप बाद में रख लीजिए, मैं पहले गा देता हूं। तो पहले मैं गा के बैठता था और ये जब गा रहे होते थे तो मैं अपना मिनिएचर निकालता था। अच्छा देखिए, मिनिएचर निकालने का हक मुझे पूरा है क्योंकि मैं भी किसी मिनिएचर से कम नहीं हूँ। तो वो मिनिएचर निकाल के मैं अपने पानी की बोतल में डालता था, वो अपना धीरे धीरे सिप लेता था मैं, और ये बोलते क्या कर रहे हैं, क्या इतने एनर्जेटिक क्यों है, क्या है वो, क्या रहा है। तो एक तरफ कपिल, दूसरी तरफ सुमित। हाँ। अच्छा। हाँ। क्यों दोनों के आपस में घुसर पुसर, ये इतना ज्यादा क्या एनर्जेटिक क्या। कभी कभार कान में ये बोलते थे कि बुड्ढे को क्या हो गया है। तो मैंने उन दोनों को बिठाया, बोला कि देख तुमको भी अगर एनर्जी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। क्या, अच्छा क्या है? तो मैंने उनको बोला ये ले पानी, मैंने कहा पी तो सही। तो कपिल ने मैंने अच्छा ये। तो बहुत अच्छा अच्छा वक्त बिताया है हमने साथ में, बहुत फॉन्ड मेमोरीज हैं हमारी। ये पहला शो जो था वो एक कॉमेडी शो था जिसमें कपिल को मैंने पहली बार देखा, पहली बार मैं मिला। मुझे नहीं पता था कि मेरा छोटा भाई बन जाएगा। लेकिन अभी मैं सच बता ही दूं तुमको,
मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे शो में आऊंगा उस बार। तो दादा आज आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आइए मैम प्लीज विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के। अच्छा सुप्रिया मैम को आपने बहुत सारे टीवी शोज में देखा है, तू तू मैम है, जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्या कमाल का शो था, कुछ रंग प्यार के जैसे कमाल के शोज किए हैं, और ये पहली बहू थी टीवी पे जो सास को बराबर सुनाती भी थी और प्यार भी पूरा करती थी। मैम जब आपकी सासू माँ वो शो देखती थी, उनका क्या रिएक्शन होता था देख के? मेरी सासू माँ का वैसे सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़िया है, उनको पता था वैसे कि ये जो बोल रही है मेरी बहू वो अपने डायलॉग्स नहीं बोल रही है, ये मेरे बेटे ने दिए हुए डायलॉग्स बोल रही है। तो उनको ये भी मालूम था, तो इसके लिए ये तो मजाक की बात है, बट शी एंजॉयज एंड शी हैज गॉट ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तू तू मैं की जब कास्टिंग करनी थी ना, तो सबसे पहले कास्ट मैंने सुप्रिया को किया। अच्छा उस शो के डायरेक्टर दादा ही थे, इस बात के लिए तालियां बनती हैं। थैंक यू। तो लोगों को शायद ऐसा भी लग सकता है कि मैंने इसकी सबसे पहले कास्टिंग इसलिए की क्योंकि मेरी बीवी है, तो नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा जी, पहला रीजन था कि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट मुझे महसूस होती है, बिल्कुल, और दूसरी बात कि इससे ज्यादा अच्छा झगड़ा और कौन कर सकती है। अच्छा ज्यादातर आप देखो जो हस्बैंड वाइफ की तू तू मैं होती ना, तो जो तू तू होती वो सारी वाइफ की होती है, मैं हस्बैंड की होती है, वाइफ को होता तुम्हारी वजह से हुआ, तुम टाइम पे नहीं आए, तुमने बर्थडे विश नहीं, तुमने ये याद नहीं रखा, आदमी इतने करता रहता है, मैं चला जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं क्या करूं, मैंने क्या किया। तो तू तू मैं तो बड़ा कमाल का सीरियल था वो। अब मैं इनकी सुपुत्री की बात करूं, आपने इनको बाखूबी जानते हैं, इनको आपने देखा है, और बड़े कमाल कमाल की वेब सीरीज हो मिर्जापुर में मैंने आपको पहली बार देखा था, बड़ा कमाल का काम करती हैं आप। चाहे तो आप पहले भी आ सकती थी हमारे शो पे। हाँ, मेरे ख्याल से हम तीनों पहली बार साथ में किसी शो पे गए हैं। हाँ, और आपका शो है। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा लोगों को आज कोई नेशनल अवार्ड मिलता है ना किसी एक्टर को, तो बड़े गर्व की बात होती है। दादा ऐसे इंसान है, इनको 4-5 साल की उम्र में, दादा कितने साल के थे जब आपको पहला? 5 साल। 5 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड, वाओ। अच्छा 4-5 साल के बच्चे को तो पता नहीं होता नेशनल अवार्ड क्या है या दूसरे कोई भी अवार्ड क्या है, उनको तो चॉकलेट टॉफियां अच्छी लगती हैं। तो दादा जब आपको अवार्ड मिला, आपने पूरी तरह खोल के देखा कि बीच में कहीं चॉकलेट भी आएगा? क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस समय? नहीं, वो क्या था, पता तो था नहीं कि मैं क्या मुझे मिल रहा है और मैं क्या लेने जा रहा हूँ। और हमारे जो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके हाथों से मिलना था। वाह। और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तब उन्हें लगा कि 10-12 साल का कोई बच्चा आएगा, लड़का, और लेगा, और ये 5 साल का इतना पिद्दू वो आ रहा है स्टेज पे, तो राधाकृष्णन जी थोड़े से सरप्राइज भी थे, प्लस स्टेज पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हुए थे। अच्छा वाह। तो नेशनल अवार्ड में होता ऐसा है कि एक दिन पहले रिहर्सल होती है। अच्छा जी। और वाहिद ऐसा अवार्ड फंक्शन है आज भी इंडिया में जो डिक्लेयर्ड अवार्ड्स होते हैं। हाँ। कोई नॉमिनेशंस नहीं होते, तो इस वजह से सारे अवार्डीज को पहले बुलाया जाता है, एक दिन पहले इसकी सारी रिहर्सल, आपकी सीट कौन सी होने वाली है वो भी आपको एक दिन पहले पता चलता है। जी। मुझे क्या पता भाई ये सब कुछ क्या है? 5 साल का था मैं, मेरी माँ और मेरे पापा दोनों थे साथ में, मैं तो बैठा था मैं वहां पे, तो अल्टीमेटली वो मेरा नाम आया और मैं स्टेज पे आप चल के गया अकेला। अच्छा जी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हंस के देख रहे थे मुझे, अरे ये इतना सा छोटा सा। मैं गया, मैंने उनको नमस्ते किया, वो लिया, अभी बोला गया था कि लेके सीधा चले जाना और कुछ मत करना। अच्छा। तो मैं वो लेके भाई अपना जा रहा था, तो एक आवाज आई, सुनो, रुक के देखा तो आवाज पंडित जी की थी। अच्छा जी, नेहरू साहब की। वाह। तो मैं मुड़ा, यहाँ आओ, तो मैं उनके पास गया, उनके पैर छुए, उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया। अच्छा जी। और जोधपुरी जैकेट पहनी थी उन्होंने जी, उसमें गुलाब का फूल था, हमेशा लगाते थे, वो निकाला और मेरी शेरवानी पे लगाया। बड़े मोमेंट। और पीठ पे हाथ रखा और कहा जाओ बहुत बड़े बनोगे। क्या बात है। और फिर मैं वहां से निकला। Wow.
बस बस यही उतार दे भैया। बस कर, हमारे ऊपर चढ़ाएगा रिक्शा। बस भैया बहुत बढ़िया, भैया जीता रहे, शाबाश, भगवान तेरा भला करे, जा अपने घर। पैसे? पैसे? लिफ्ट देने के पैसे कौन मांगता है भैया? अरे मैंने तुझसे कहा वहां तक जाना है, छोड़ देगा, तूने कहा बैठो छोड़ दूंगा, इसमें पैसे की बात कब हुई भैया? बस बहुत हो गया भैया, ये ला बस, इससे तो दमाची का पैसे बर्बाद करवाते रहो, इसमें और कोई काम नहीं है। हाँ नहीं तो मैं चार पैसे बचाने की सोच रही थी, हाँ दिमाग खराब कर दिया। मम्मी मम्मी तुम बाजार में बहुत बेइज्जती करवा चुकी हो आज मेरी, अभी रुक जाए और करवाऊंगी तेरी बेइज्जती। मम्मी यस बैठे हैं। अरे प्रणाम, सादर प्रणाम। अरे ये तो पिलगांवकर फैमिली है, इन्हें कौन नहीं जानता। अरे भाई ये वो लोग हैं जो अपने घर में रहते हैं। है? मम्मी सब लोग अपने ही घर में रहते हैं। नहीं बेटा, हम अपने दामाद जी के घर में रहते हैं। दामाद जी जरा मेरा इंट्रोडक्शन तो करवाओ। दादा जैसे आप प्रोड्यूसर, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, सिंगर सब कुछ है ना, वैसे ये भी मतलब बदतमीज, ढीठ, लीचड़ सब हैं ये लोग, बहुत परेशान करते हैं मुझे ये लोग। दामाद जी लाल जी कहना तो भूल ही गए। मम्मी नहीं वो सर ये क्या है ना, ये दामाद सास के बीच में मजाक चलता रहता है। वैसे हम लोग बाजार में थे और जैसे ही पता चला कि आप लोग आए, हम लोग शॉपिंग वॉपिंग छोड़ के भाग के आ गए। और पहली बार हुआ खुद भाग गए, नहीं तो लोग भगाते हैं इनको। आ गए बीच में तंग करने। Myself बिंदु शर्मा जी की बेटर हाफ। कोई बेटर हाफ नहीं, क्वार्टर। बेटर हाफ मेरी कोई बेटर हाफ नहीं है, आई एम अ कंप्लीट मैन। मैंने देखी आपकी फिल्म दामाद जी, बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरी समझ में ये ना आ रहा, जब ये काम इतना अच्छा चल रहा है तो फिर आपको डिलीवरी करने की क्या जरूरत है? जब आपका पहला ही बच्चा ऐसा हो गया था तो फिर नौ नौ बच्चे डिलीवर करने की क्या जरूरत थी आपको? हैं? दामाद जी उसके बारे में क्या बता दूं, इसके पैदा होते ही मैंने कहा इसके डैडी जी से नो नो नो, लेकिन उन्होंने नो समझ लिया। उनकी अंग्रेजी खराब थी, मेरी फिजिक खराब कर दी। सच में मम्मी पता है आज बाजार में ये नकली नोट चलाने लगी थी, शुक्र है मैंने रोका है वरना पकड़ी जाती आज। हाँ पकड़ी जाती। हाँ बिंदु तेरे ब्याह में मैंने दामाद जी को नकली नोटों का हार पहनाया था, पता चला। देखे दादा आप इनकी हरकतें देख रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन मैं इसको बहने गया ना, थोड़ी देर के लिए लाइट गई, लाइट आई तो इसके डैडी इसी के गहने उतार के भाग रहे थे। दामाद जी तो शुक्र मनाओ लाइट चली गई थी, इसने पता ना चला, वरना उनकी नजर तो आपकी बुआ जी पे थी। अरे दामाद जी आज आपकी बीबी ने सारे आम मेरी बेइज्जती कर दी मार्केट में। क्या? कैसे? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया है, मैंने इतनी मुश्किल से एक नेकलेस सिलेक्ट किया और फिर मैंने उसे फाइनल कर दिया, सारी बात हो गई, लेकिन एंड टाइम पे ये उठा के भागने को तैयारी ना हुई। तो मुझसे चोरी करवा ली थी मम्मी, तो तुझसे यूपीएससी करवा लूं। अरे हाई स्कूल तो हुआ ना तुझसे, वो तो शुक्र करो कॉलेज का प्यून मेरा एक्स निकला तो ये पास हो गई। तुम बात कर रही है, देख लो सर ये खानदान पूरा इनका कैसा है, अब पुश्तैनी कंगन के नाम पे भी इनके घर से हथकड़ियां निकली पता है। एक मिनट दामाद जी, हम माँ बेटी के बीच में बाहर वाले के बोलने का कोई काम नहीं है, बस पति है मेरा, बाहर वाला नहीं। अच्छा पतियों तो क्या हुआ, सब पति होते हैं, सचिन जी भी पति हैं, वो तो बीच में ना बोल रहे। देखो एक सेकंड मम्मी, इनफ इज इनफ, तुम प्लीज मेरे घर से चली जाओ, अपने घर में जाके रहो, प्लीज चली जाओ यहाँ से। अपने घर में जाके रहो, बिंदु मत भूल ये घर तुझे मेरी वजह से मिला है। What? हाँ सासू माँ आप मालिक को बुला के जूड़ा कटवा क्यों नहीं लेती अपना? अरे कटवाइए कटाई, कब कटवाएंगी जब इसमें गोभी लगनी शुरू हो जाएगी। और तुम भी कैसे पति हो, हाँ मतलब कोई कुछ भी बोले तुम्हारी बीवी के बारे में तुम खड़े खड़े सुन रहे हो। अरे चुपचाप खड़े दामाद जी से मैं शिकायत लगाऊंगी तेरी बिंदु। दामाद जी ये मुझे यूं कह रही थी, मेरा पति ना नींद में खर्राटे लेता है, मैं सो नहीं पाती। यार इसमें क्या बुराई, मैं तो ऐसी सच बोल रही थी। सच बोल रही, नींद में खराटे लेता हूँ, तुम्हारी माँ तो लंच में खराटे लेती है। अच्छा मैं मम्मी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी, प्लीज। हेलो बिंदु, हेलो,
अरे दो टाइम सुन के तीन टाइम का फ्री फंड में खाना खा रहे, चुप रहे। हाँ नहीं तो क्या, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अरे तेरी तो कोई सुनता नहीं है, जिसकी पूरा इंडिया सुनता है उसे तो बोल लेने दे। बोलो दामाद जी बोलो। मैं तुम्हारी साइड ले रही थी। तू मेरी साइड मत ले, पहली बार मेहमान आए हैं, पांव छू के पैसे ले ले उनसे। क्या है यार पम्मी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नौ नौ बच्चे होंगे और क्या चाहती हूँ, क्या करे। और रस्सी पे चल के दिखाए अम्मा, और क्या करे बेचारी। अरे दामाद जी उन्हीं नौ नौ में से एक पाल के आपको दिए बेटी अपनी। बेटी की देखो आम की पेटी दे देते, मेरी गर्मी अच्छी निकलती। परेशान करके रखा है। प्रॉब्लम क्या है? अरे सोनी लिव पे पुराने एपिसोड डाउनलोड करके देख ले, प्रॉब्लम पता चल जाएगी। दामाद जी ने डिटेल में बता रखा है। मम्मी तुम प्लीज डिसाइड कर लो कि तुम किसकी साइड पे हो। मैं दामाद जी की साइड हूँ, दामाद जी मेरा खर्चा उठा रहे हैं, खाना पीना सब देख रहे हैं। मम्मी अंदर चलो, बहुत बहुत हो गया, अंदर चलो। हाय जब ये कहती है ना अंदर चलो, मुझे इसके पापा याद आ जाते हैं, वो भी जब देखो। सुनो अंदर चलो, सुनो अंदर चलो, अंदर चलो। आ रही हूँ। अच्छा जी प्रणाम प्रणाम, बाय बेटा। तो दादा नदिया के पार में जिस तरीके ने आपने भोजपुरी किरदार पकड़ा, वो एक्सेंट पकड़ा, मतलब आप महाराष्ट्र में पले बड़े हैं जी, तो वो इतना बखूबी कैसे पकड़ा था आपने, कैसे हुई थी उसकी कास्टिंग? नहीं कास्टिंग तो खैर इसलिए भी हुई थी क्योंकि मैं राष्ट्रीय का एक एक्टर था। इससे पहले कि मेरी दोनों फिल्में जो थीं वो अच्छी चली थीं, एक गीत गाता चल और एक अखियों के झरोंकों से जी। तो वो एक्सेंट की जब बात तुम कर रहे हो ना, वो क्या था, मैं पांच दिन पहले पहुंच गया वहाँ। अच्छा जी। और फिर मैं देखता रहा कि लोग कैसे बोलते थे, क्यों नहीं बोलते, काहे बोलते हैं, काहे क्या नहीं बोलते, का बोलते हैं, का बात कर रहे हो। अच्छा ये पूरी फिल्म भोजपुरी नहीं थी, एक्सेंट और डायलेक्ट हम लोगों ने अवधि थी, अवधि का डायलेक्ट लेने की कोशिश की। अच्छा दादा का एक और गाना है जो सारी दुनिया बड़ा प्यार करती है, आज भी लोग इतना गुनगुनाना पसंद करते हैं। कौन सा? बड़े अच्छे लगते हैं। दादा ये गाना जब आप गा रहे थे दिमाग में मैम की तस्वीर थी? नहीं नहीं उस वक्त नहीं। कहाँ गा रहे थे, कब गा रहे थे? जब फिल्म में गाए थे तब तो मैं बस छोटी सी स्कूल में जा रही थी, 8-9-10 साल की, बालिका वधू का गाना। बालिका वधू के वक्त 1976 की बात है ना, तो उस वक्त मेरे ख्वाबो ख्याल में सुप्रिया नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी जिंदगी में मतलब इतना अच्छा कुछ होने वाला है। दादा आज फिर मैम के लिए हो जाए वही गाना, उनकी तरफ देख के मजा आ जाए। भाई देखो ऐसा है कि इस साल हमारी शादी को 38 इयर्स पूरे हो रहे हैं। Awesome. और हमने एक डांस शो भी किया था दोनों ने साथ में जी, तब हमारी दोस्त भी हमारे साथ थी। मम्मी में यस। आपने होस्ट किया था? नहीं नहीं डांस किया था। वाओ तो फिर कब पहले निकली थी क्या, थोड़ा लेट निकली थी आपको? नहीं काफी काफी बाद निकली थी। बहुत बढ़िया डांस किया था अर्चना ने और बिट्टू ने, दोनों ने बहुत बढ़िया। बड़प्पन दादा ऑन स्क्रीन, आप कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते मुझे पता। लेकिन एक बात बताऊं तुमको अर्चना, 18 साल हो गए उस शो को आज, लेकिन आज भी तुम उतनी ही खूबसूरत दिखती हो। थैंक यू सचिन। दादा आप आर्मी में भी जा सकते थे पता? क्यों? आपके हौसले इतने बुलंद, बगल में बीवी बैठी है, किसी और की बीवी की तारीफ कर रहे हो आप। ये गाना क्यों ऐसा है कि जो मेरी जिंदगी से इतना चिपका हुआ है, जब तक मैं हूं तब तक ये गाना मेरे साथ रहेगा। क्या बात। उसका रीजन ये है कि पंचम दा फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे, मुझे मालूम पड़ा पंचम दा म्यूजिक डायरेक्टर मतलब मेरे लिए तो भगवान ना। हाँ दादा। हाँ मतलब मैं तो पागल था बचपन से, तो पंचम दा को शक्ति दा जो प्रोड्यूसर थे फिल्म के जी, उन्होंने फोन किया कि पंचम एक गाना तुझे बनाना है, रोमांटिक गाना है सचिन के ऊपर। तो उन्होंने बोला कौन सचिन? वो अच्छा वो चाइल्ड एक्टर वो सचिन। बोले हाँ वो अभी चाइल्ड एक्टर नहीं, बड़ा हो गया थोड़ा सा। एक काम करो शक्ति तुम उसको मेरे पास भेजो। शक्ति दा ने मुझे बताया कि भाई पंचम को मिलने जाओ। अरे मैं तो पागल हो गया, मैंने कहा मैं जरूर जाता हूँ पहली फुर्सत में,
मैं पहुंच गया पंचमदा के म्यूजिक रूम में। आ जाओ अंदर। बड़ा सा म्यूजिक रूम था, अकेले बैठे हुए थे, कोई नहीं था और। अच्छा, मैं जाके बैठ गया। और तू बोल बोल, तू का तेरा पूरा नाम क्या है? मैं पूरा नाम बताया। बाप का नाम क्या है? ये माँ का नाम क्या है? सर कौन से स्कूल में जाता था, कहाँ रहता था, अभी कहाँ रहता है, सब पूछ रहे थे। मैं बता रहा था हिचकिचाते हुए। उन्होंने देख लिया कि ये थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, इसको कुछ इनहिबिशंस हैं। तो उन्होंने बोला कि सचिन तू 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 डर मत, तू डर मत, मैं तेरे को कभी डांट नहीं सकता, कभी गाली नहीं दे सकता। मैंने पूछ क्यों? मैंने कहा क्यों? बोले तेरा नाम मेरे बाप का नाम है। अब जाके उन्होंने बाजा खोला, वाह, और कुछ बजाने लगे। तू बोल बोल बोल, तू बोल बोल बोल। अभी मैं कैसे बोलूं, वो बारह बाजा बजा रहे हैं, मैं बोलूं कैसे यार? तो मैंने उनको बोला पंचम धाम में कैसे बोलूं आवाज। अच्छा तू बोल रहे, तू बोल। मैं बोलता रहा अभी कुछ, और सडनली रुक, उन्होंने बजाया दरा दीरा दीरा ता, ओ माय गॉड, दरा रीरा दरीरा रा दरा रा रा दा ता। ये देख सचिन, ये तेरे तेरे आवाज में ना ये सुर ता ये बहुत बार निकलता है, इसलिए मैं ना इस पे आना चाहता था। वाह वाह वाह, जीनियस। ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे। अरे यार कितना खुशी हो रहा है शर्मा जी, कैसे हो यार? बहुत बढ़िया यार, कैसे यार? सर सचिन जी, श्रिया जी, शुक्रिया जी, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, पता है हमको यार, हम तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि सह परिवार आप यहाँ पर आए, शुक्रिया जी। अच्छा मेरा नाम पता है यार। आप लोग ना कभी भी साथ में राजा मौली जी के पास मत जाइए। क्यों क्यों? वो RRR बनाए थे आप तीनों को लेके, SSS ना बना दे। श्रिया जी जी, हाउ यू डू? फाइन, एक्सेलेंट। आपकी ये बिल्कुल ऐसी वो शेंडी ऐसे सीधी कैसी रह रही है? इट्स जस्ट अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर यू। थैंक यू, आपका काम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू, बड़े फैन है आपके। सचिन जी गारंटी दे रहा है आपकी बेटी आपका नाम पिलगांवकर करेगी। अरे रोशन करेगी होता है, वो तो ऋतिक करेंगे यार। ये पिलगांवकर है, पिलगांवकर करेगी। गूगल में हमने देखा आपकी स्विमिंग करती हैं। जी बचपन में मैं एक कंपेरेटिव स्विमर थी। स्विमिंग करते हैं हमें पता है, और कथक भी करते हैं। स्विमिंग भी करती हैं, कथक भी करती हैं। तो आपसे एक बात पूछना था, जब ये पानी में आप कथक करती हैं तो कथक वाले कपड़े भीग नहीं जाते हैं? वो स्विमिंग अलग करती हैं, कथक अलग करती हैं। ओह माय बैड, आई एम सॉरी। इसके लिए आपको एक सलाह देना चाहेंगे, आप कथक की जगह बतक कीजिए, फिर दोनों काम आप साथ कर पाएंगे। ऐसी उठ पटांग बातें हम करते रहते हैं, थोड़ा माहौल बन जाता है, मजा आता है। लेकिन सर बहुत बड़े फैन हैं आप, हमको बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं सर आपको हम। मायसेल्फ बच्चा यादव, आई रियली लाइक यू, बट अपार्ट फ्रॉम मी दैट्स माय भैंसिया फुलझड़िया, शी ऑल्सो लव यू, लव यू। हम सच बता रहे हैं, इसको जब से पता चला ना फुलझड़िया को कि आप आ रहे हैं, तो भैंसों के पार्लर में जाके फेशियल करा के आई है। चल झूठे, भैंसों का फेशियल कहाँ होता है? तो भैंसों का पार्लर भी कहाँ होता है? हम तो खाली आपका इंटेलेक्ट चेक कर रहे थे, वेदर यू हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड और नो। गुड गुड, यू आर एन अलर्ट बॉय। सर परसों ना बांकेडिया स्टेडियम में क्रिकेट मैच है, उसका 3 टिकट अगर आप अरेंज करा दें। ये सचिन तेंदुलकर थोड़ी है, ये सचिन पिलगांवकर है। हमें पता है यार, ये बाउंड्री के पार वाले सचिन नहीं है, ये नदिया के पार वाले सचिन है। आई नो। वैसे सर आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको देख के ना हमें अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। वो भी एक्ट्रेस थी? नहीं एक्ट्रेस नहीं थी, लेकिन जिस तरह आपने 18 की उम्र में शादी कर लिया ना, उसने भी वादा किया था कि 18 की होते ही शादी करेंगे, और 18 की हुई नहीं, पड़ोस के बाबूलाल के साथ उसने शादी कर ली। मतलब तुम्हें धोखा दे दिया? नहीं धोखा मत देखिए, कमिटमेंट देखिए, 18 बोला 18 पे किया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वैसे उसने ना 10 साल के बाद हमें एक पत्र लिखा है। अच्छा, हैंड रिटन लेटर। आज के जमाने में बताइए, पढ़ लें आपके सामने? बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल, इफ यू डोंट माइंड। प्लीज। कहती है डियर बच्चा,
पिछले हफ्ते जब मैं अपनी बेटी के साथ बाजार में थी तब मैंने तुम्हें देखा। तुम्हें देखते ही सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। भुला नहीं पाई है हमें सर, भुला नहीं पाई है, सारी पुरानी यादें ताजा हो गई, ऐसा कहती है। आगे कहती है, मैंने अपनी बेटी को भी तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। हाय यार, मोहब्बत छुपाए कहाँ छुपती है सर। आगे कहती है, अब बेटी भी जिद कर रही है कि मुझे मोटे मामा से मिलना है। मामा मोटे मामा, समझ में नहीं आ रहा है ज्यादा बुरा किसका माने, मोटे का के मामा का। यार जमाना ही खराब हो गया है सर, भरोसा ही नहीं करना चाहिए। मोटे मामा ये कह रही है हमको। इसी बात पे हमको एक शेर याद आया, कहे तो अर्ज कर दे। इरशाद अर्ज किया है, जमाना देखिए जीन पहनने लगे हैं छोड़ के लोग पजामा। जीन पहनने लगे हैं लोग छोड़ के पजामा। जिसके बच्चे के मुंह से सुनना था पापा वो कह रहा है मामा। बच्चा हो गया तेरा? अरे उसका शादी हुआ है, उसका बच्चा होगा ना, हमारा कहां से। अच्छा, मैं कह रहा हूं तुम्हारा ये नाटक खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, क्या बातें करके हो गया ये पूछ रहे हैं आप। वैसे तो हो गया है सर, पर क्या है कि हमारा ना गांव से एक लड़का आया है, अपना दोस्त है, पुरुषोत्तम नाम है उसका, बहुत ही अच्छा एक्टर है। तो अगर उसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस अगर आप देखें और उसको एक अगर मौका आप देना चाहें, हम फोर्स नहीं करेंगे, अगर आप अप्रिसिएट करें तो एक मौका दीजिएगा। बुला लें? बिल्कुल बुला लें। पुरुषोत्तम बहुत टैलेंट। पुरुषोत्तम है सर, हमारे गांव से आया हुआ है। आपको याद होगा वो आपका पिक्चर आया था क्या, अपना वो नाव वाला जो था आपका, नदिया के पार। हाँ, नदिया के पार। नदिया के पार में जो नाव था उसमें नाव वाले का जो बेटा है यही है सर। नहीं, शकल को गौर से देखिए, एकदम वो नाव के चप्पू जैसा नहीं लगता है। कैसी बातें कर रहे हैं भैया? नहीं मतलब खाली बता रहे थे सर। प्रणाम। प्रणाम। हमको पहचाने? अरे जब हम छोटे से थे तब आप हमारे गांव आए थे। अच्छा, आप बहुत जिराफ हो गए हो ना तुम। छोटे ही हो तुम अभी, लेकिन ये है बहुत टैलेंटेड, मजाक नहीं कर रहे हैं। वो कुकर का वो नहीं होता है रबड़, वो ऐसा कमर में लगा के ऐसा ऐसा कर लेता है ये। भैया वो भी तो टैलेंट बताइए जो हम तैर के नदी पार कर लेते हैं। वो टैलेंट नहीं है, वो बेवकूफी है। नदी के ऊपर पुल बन गया है, काहे तैर रहा है बे। किसी दिन मगरमच्छ अपना टैलेंट दिखाएगा ना तो नदिया के पार पहुंच नहीं पाओगे तुम। नहीं ये तो चलो बातें होती रहेगी, लेकिन ये टैलेंटेड बहुत है, मजाक नहीं कर रहा है। वो तुमको जिस चीज के लिए अवार्ड मिला है ना, वो वाला एक्टिंग करके दिखा दो सर को। करे? हाँ दिखा दो, भैया आशीर्वाद दो। अरे ठीक है यार, आ जा आ जा। प्रिपेयर कर रहा है, तैयारी कर रहा है, दिखाओ चलो एक्शन। अरे दिखाओ, टैलेंट वेट कर रहा है वहां पे बैठे हैं, दिखाओ। अरे दिखाओ ना यार। कैसा लगा भैया हमारी एक्टिंग? बेस्ट लाश अवार्ड गोज टू। कहाँ किया भाई तुम एक्टिंग? अरे प्ले में लाश बने थे ना, तो वही बन के दिखा रहे थे। आप सही समझी थे, इसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया तुम्हारे स्कूल ने। जी भैया जी। वेरी गुड यार, तुम्हारे स्कूल से तो बाद में निपटेंगे, लेकिन हाई टैलेंट है, ऐसा बात नहीं है सर। सर आप जैसे वो अंताक्षरी खेलते थे ना गानों के साथ, अंताक्षरी, ये भी अंताक्षरी खेलता है लेकिन एक्टिंग के साथ, गानों के साथ नहीं। अच्छा। एक्टिंग के साथ अलग आइटम है, दिखाएं आपको कैसे। हाँ, हाँ, हाँ। अभी खेलते हैं देखिए, अब बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। ये ठीक है। हाँ। ये म पे तुम्हारे ऊपर आया है, म से एक्टिंग करो। म से ना भैया, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो। आहा देखिए, फीलिंग देखिए, है फीलिंग है, घर जाने दो, कैसा घर जाने दो, द से कंप्लीट हुआ है, द पे एंड हुआ है। हाँ। द से एक्टिंग, द से। दादाजी बीमार हैं, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दीजिए प्लीज। घर जाने के लिए इंसिस्ट कर रहा है तो वैसा ही, लेकिन दर्द है परफॉर्मेंस में। घर जाने दीजिए प्लीज, स स से एंड हुआ, स से एक्टिंग, स से। सभी बुला रहे हैं, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दीजिए।
घर लगता है ये जाके रहेगा, अच्छा है, दर्द और फीलिंग तो है, बिल्कुल घर जाने दीजिए। हाँ। इस बार यस एंड किया है, उससे यस एक्टिंग दिखाओ, कुछ अलग दिखा दो। अच्छा कुछ अलग। हाँ, यस से। यकीन मानिए हम जल्दी वापस आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम दोबारा नहीं बोलेंगे कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दीजिए। टैलेंट तो है सर, कुछ ना कुछ कर जाएगा, तो एक आध फिल्म दे दीजिए ना इसे। बिल्कुल बिल्कुल दे देंगे फिल्म। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले मुझे घर जाने दीजिए फिर देंगे फिल्म, देंगे सर कह रहा है। लो भी अब आ गया है तुम्हारा मार खाने का टाइम। स्ट्रगल हम तुमको दिखाते हैं, हम मैनेज करेंगे, रुक के। मेरा एक सवाल है सचिन से। सचिन, तुमने सत्ते पे सत्ता फिल्म में जी एक सीन में भाभी शब्द कितनी बार कहा था? 26 बार। सत्य पे सत्य वॉज ऑलमोस्ट अ पिकनिक फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि बच्चन साहब ऐसे हैं कि अगर आप मजाक करना चाहें तो फिर वो आसमान फाड़ मजाक करते हैं, लेकिन अगर वो चुप रहना चाहें तो वो इतने चुप रहते हैं कि पूछो मत। हाँ, डर लग जाता है कि हाँ मतलब ये क्या है। हाँ। ऐसे कैसे, अब उनका मूड कब है, क्या है, कैसे है, पता नहीं किसी को। कभी आएंगे हाय ऐसा कर लेंगे, कभी कभी हेलो बोले तो ऐसा करके निकल जाए। अरे never know, मैंने कहा ये क्या है, ये आदमी कुछ अजीब गरीब आदमी है। एक दो बार वो हुआ था कि गुड मॉर्निंग मॉर्निंग दो बार वो बाबू वाले। मैंने कहा इलाहाबाद में शायद होता होगा ऐसा। तो एक बार वो मेरे पास आए, हाय, मैंने कहा डिसाइड करो पहले क्या करना है। नहीं यार मेरा कभी कभार मूड खराब होता है। मैंने कहा पार्टी लगाओ। एक पार्टी लगा के आज मेरा मूड खराब है, मालूम तो पड़े ना हमको, या आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। उसके बाद वो खुल गए, उनको मालूम पड़ा कि नहीं भाई इन लोगों, ये बदमाश लोग हैं सारे, और सबसे बड़ा बदमाश है सबसे छोटा वाला जो है। हाँ। तो इनके साथ दोस्ती ही करनी पड़ेगी। तो उन्होंने दोस्ती की, दोस्ती करने के बाद हम लोग कश्मीर में शूटिंग करने के लिए गए थे। तब हम सारों की टीम जो थी वो अलग होटल में थी और वो पैलेस में रुके हुए थे अपनी बीवी के साथ। और शूटिंग पैकअप करके दस्तूर ये होता है कि हम लोग अपने अपने होटल जाएं। करेक्ट। अमित जी अपनी गाड़ी में बैठ के अपने होटल जाएं। वो अपने होटल जाते ही नहीं थे, हमारे होटल में आते थे हमारे साथ। अच्छा। और रात को 2 बजे 2:30 बजे हमारे साथ रुकते थे, मस्ती मजाक करते थे सब कुछ करके। और जया जी वहाँ इंतजार कर रही है कि ये कहाँ गया आदमी, ये कहाँ जा रहा है। तो हम लोग फोन करके जया जी से बात करते थे लड़की की आवाज में, अमित जी हमारे पास है। तो जया जी को मालूम था कि मैं हूँ वहाँ पे, तो बोलती थी अच्छा ठीक है रखो उनको अपने पास ही रखो, मुझे जरूरत नहीं है। तो फिर वो हमेशा अच्छा 2:30 बजे पहुँचने के बाद होटल, सुबह 7 बजे की शिफ्ट में 7:45 बजे आदमी रेडी वहाँ पे। वाह यार ये तो बात है, हा? कमाल है, कमाल है। और हम लोग कोई 7:15 बजे आ रहा है, कोई 7:20 को आ रहा है, कोई 7:30 को आ रहा है, तो बाहर खड़े रह के आइए आइए। मतलब हमने जितनी भी रैगिंग की होगी शाम में, सुबह पूरी रैगिंग निकाल देते थे हमारी, हमको बेइज्जत करके। तो बहुत ही बहुत ज्यादा मजे किए हमने। तो दादा कैसी कैसी फिल्म में, सत्य सत्ता की बात करूं या शोले की बात करूं, ऐसी कल्ट मूवी मतलब, और उसमें भी दादा थे शोले में, बड़ा महत्वपूर्ण रोल था आपका जी। दादा मैंने सुना उस फिल्म में आप एक्टर तो थे ही, साथ में आप डायरेक्शन टीम में भी थे आप। हाँ मैं सेकंड यूनिट में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अच्छा। था। अच्छा जी। और एक 17 साल के बच्चे पर रमेश जी ने भरोसा रखा। धर्मपाजी भी होते थे वो, तो बड़ी मस्ती करते थे। धर्मपाजी तो मतलब उस वक्त तो धर्मपाजी पूरे क्या कहते हैं मूड में थे हेमा जी को इम्प्रेस करने में ना। उनको पटाना था। तो पटाने के लिए क्या क्या करना था। हाँ। देखिए साहब उनको टांकी पे सिर्फ चढ़ के, वो इतनी ऊंचाई पे टांकी बनाई थी। हाँ। अच्छा वो कोई रियल टांकी नहीं थी। अच्छा जी। अच्छा। तो सेट डायरेक्टर, वो आर्ट डायरेक्टर जो होता है उसने बनाई हुई थी। तो ये ऊपर चढ़ गए साहब। अच्छा। नीचे हेमा जी खड़ी है। हाँ। तो इन्होंने क्या किया, दोनों टांग उसके ऊपर डाल दी रेलिंग पे। रेलिंग। अच्छा। रमेश जी धर्म जी मत। और वो बोला कुछ नहीं होता, जो पिए नहीं थे बिल्कुल। हाँ मतलब ऐसा नहीं, वो एक्टिंग कर रहे थे। एक्टिंग। हाँ। लेकिन उनको इम्प्रेस करना था। मैंने कहा यार इतना तो मत इम्प्रेस करो ना। ऊपर से
यहाँ पे नीचे हेमा जी खड़ी हैं, उनको कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं है चेहरे पे। मैं भी बगल में खड़ा था तो हेमा जी बोला, हेमा जी दिस इज रिस्की है। आई नो दिस इज रिस्की। वाह यार, कितने खूबसूरत किस्से हैं दादा। मेमोरीज ही होती है दादा जो हमें, यू नो, सारी उम्र हम लोग उसको याद करके उन किस्सों को मजा लेते रहते हैं। सो आई थिंक आजकल लोगों में वो चीज नहीं दादा, आजकल तो इंस्टाग्राम पे हर चीज लोग इसी के लिए कर रहे हैं। मेरी बेटी ना दादा अभी 3 साल की है, उसको ये लगता है कि सारी दुनिया टीवी पे आती है और सब एक दूसरे को जानते हैं। एक दिन ना मैं ये बात अपने शो में बोलता था कि बच्चों को मोबाइल ना ज्यादा दिखाएं, पर वो अभी ना, तो मैंने अपनी वाइफ से बोला, मैं कहा मोबाइल ना खोल के वो देख रही है कार्टून, ऐसे नहीं खाना खिलाना चाहिए। तो उसने मेरे हाथ में देख रही, तुम खिला लो। तो नहीं खाया उसने। तो उसने एक दिन कार्तिक आर्यन का कोई गाना देख लिया, पापा कार्तिक आर्यन डांस ही करी जा रहा है, हमारे घर क्यों नहीं आ रहा। मैं कहा मतलब वो हमारे घर क्यों आएगा, वो बिजी है बेटा। तो तेरे को मैंने फिर रात को उसको मैसेज किया, मैं भाई अगर तू फ्री है प्लीज वीडियो कॉल करना। मेरे घर में डांस कर ले। नहीं, मैं कहा चल बात तो करवाऊं। तो बात मैंने कार्तिक आर्यन से उसकी वीडियो कॉल करवा दी। अब एक दिन उसने अजीब डिमांड रख दी। क्या? पेपा पिक नाम का एक कार्टून आ, कहती उससे बात कराओ। अब गिन्नी ने अपनी एक फ्रेंड को फोन किया, एक दो दिन उसकी बात करा दी। अब परसों चौथ की बात है, कहती पेपा पिक से वीडियो कॉल कराओ। पेपा पिक तो है ही नहीं। पर बच्चे कभी कभी ऐसी दुविधा में डाल देते ना आपको, इसलिए बच्चों से झूठ तो कभी नहीं बोलना चाहिए। पिंक सूट पहन के पेपा पिक। मैं आपकी बात कराऊंगा। अरे सुप्रिया जी ने सचिन सर के डायरेक्शन में एक फिल्म करी थी, नवरी मिले नवरायला। दादा क्या बोलते हैं, नवरी मिले नवरायला, मतलब दुल्हन मिले दूल्हे को। और उसके बाद ही दूल्हे ने सीधा दुल्हन को प्रपोज भी कर दिया। बिल्कुल। तो मैम ये सच्ची में फिल्म ही बनाना चाह रहे थे कि आपको दुल्हन बनाना चाह रहे थे इसलिए उन्होंने ये फिल्म लिखी, क्या मतलब उसके पीछे कहानी क्या है? उन्होंने तो फिल्म डिसाइड कर ली थी, नवरी में नवरायला बनानी थी। अच्छा जी। और हीरोइन नहीं मिल रही थी उन्हें बिल्कुल, और हीरोइन ढूंढने के लिए उन्होंने सबको काम पे लगा दिया था। अच्छा जी। तो उन दिनों में मैं मुंबई दूरदर्शन के एक छोटे से प्रोग्राम में मैं एक ड्रामा कर रही थी। उस ड्रामा में जो मेरा हुलिया था वो बिल्कुल उसी तरह का था जिस तरह का किरदार इनकी फिल्म में उनकी हीरोइन का था। अच्छा, जिसके लिए वो ढूंढ रहे थे, देख रहे थे कहाँ मिलेगी। और मेरी मदर इन लॉ ने उस दिन टीवी ऑन कर लिया, और टीवी देखते देखते जब मेरी एंट्री हुई तो मम्मी की एंटीना ऐसे ऊपर आ गई, अरे ये बिल्कुल सचिन को उसके हीरोइन की तलाश है, वो बिल्कुल उसका किरदार इससे मिलता जुलता है, चमेली नाम था। ये अंदर कमरे में थे, आ जाओ देखो 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 तुम्हें हीरोइन मिल गई तुम देखो ये हीरोइन कैसे लग रही है ये। तो इन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाँ ये तो बिल्कुल मुझे सूट करेगी ये। तो उन्होंने पता लगाया, सुप्रिया सबनेस, मेरी मदर इन लॉ ने कहा सबनेस, अरे मतलब ये भी गोवा की लगती है क्योंकि सरनेम गोवा वालों का भी है सबनेस, मम्मी जी इनके लिए रिश्ता भी ढूंढ रही थी। तो उन्होंने कहा अरे ये तेरे लिए भी अच्छी है। ऐसे उन्होंने उनके जुबान से उस वक्त ये बात निकली और उन्होंने उनके दिमाग में ये बीज डाल दिया। पर खैर इन्होंने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया, वो देखने आए। नहीं मतलब मुझे मम्मी ने बोला आप लगते लग्न करूं टा। मैं मम्मी को बोला यार टीवी पे देख के कोई मैं शादी कर लूं। ऐसे तो फिर मैंने वो फिल्म कर ली, और फिर एंड में जाके लास्ट दिन पर उन्होंने सब खत्म होने के बाद सोचा कि मैं अभी इससे पूछ ही लूंगा कि क्या वो प्रपोज करेंगे शादी के लिए। मेरे साथ क्या है ना कि अगर मैं पहले पूछ लेता और वो लाफा वाफा मार के निकल जाती मेरी पिक्चर रुक जाती। और उन दिनों में हमारे बॉडीगार्ड्स मतलब मेरी माँ, मेरी मौसी, मेरी दादी, ये ऐसे सारे लोग मेरे साथ आया करते थे। तो उस दिन इन्होंने मेरी माँ को प्रपोज करेगा इन सबके साथ में, माँ को और मौसी को फिल्म सिटी में वो नर्सरी में भेज दिया, वो देखो वहाँ पे बहुत अच्छे पौधे हैं, उनको भेज दिया। और यहाँ पे मुझे प्रपोजल आया, खुद ने किया खुद से। हाँ फिल्म सिटी में। फिल्म सिटी में। तो प्रपोज करने के बाद इन्होंने ना हाँ बोला ना ना बोला, एक सवाल कर लिया, क्या आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? अर्चना मतलब मैं तो सोच रही थी कि शादी हुई, अभी देख कहीं दिखाई नहीं दी है अभी तक कि शादी हुई होगी। अरे पूछो शादी का एक्सप्रेशन देखने लायक होगा। इट वाज नॉट अ क्वेश्चन, ही थिंक्स कि इट वाज अ क्वेश्चन। और बोलते हैं कि फिर ऐसा क्वेश्चन कैसे किया, वरना मैं प्रपोज कैसे करता। हाउ डू यू थिंक? अरे मैं शादी की हाथ मांग रहा हूं, तो मैं शादी कर चुका हूं और मैं हाथ मांग रहा हूं।
मतलब मेरे को शादी करने का शौक है। जैसे होता है ना, कोई किसी के प्यार में हो तो क्या करेगा। हाँ। तो ये क्या करते होंगे, मुझे उनका खाना शेयर करते थे मेरे साथ बस। हाँ। तो ये थी एक चीज की वो खाना शेयर करते थे। So sweet. मंडे का खाना घर से डब्बा आता था, खाना खाने के लिए वही स्पेशल चीज बस, बाकी कुछ नहीं। पर उन दिनों जैसे फोन मोड मोबाइल तो थे नहीं, सुना है कि चिट्ठियां वगैरह भी एक दूसरे को दे देते हैं लोग। हाँ, आपने चिट्ठी दी थी? जब मैं घर पे तो भेज नहीं सकता था, जब शादी वादी में उन्होंने जब हाँ कही उसके बाद चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा। लेकिन मैं चिट्ठी इनके घर पे नहीं पहुंचाया करता, मतलब भेज अच्छा नहीं सकता था, किसी के हाथ में गई तो। अच्छा जी। हाँ। तो मैंने अपने दोस्त के घर पे मैं चिट्ठी भेजता था और वो दोस्त फोन करके बताता था कि तुम्हारी चिट्ठी आ गई है। तो ये, अच्छा। तो ये अंधेरी से साइकिल में बैठ के अच्छा जाती थी वो चिट्ठी कलेक्ट करने के लिए। और उस वक्त इनके माँ बाप दोनों जरा फिल्म इंडस्ट्री के लड़का है, फिल्म इंडस्ट्री का है, वैसा दामाद कैसे होगा, क्या होगा। और दूसरी बात ना, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, उस वक्त ना, उस वक्त मुझे जो बहुत कुछ ऐसा लगा कि ऐसा क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं। लेकिन जब मैं बेटी का बाप बना तब मुझे उनकी सारी बातें जो है वो सही महसूस होने लगी। क्या बात दादा। ओहो दादा, देखिए अब आपके फैंस जो है वो जानना चाहते हैं, क्योंकि आज पहली बार आप सब परिवार आए हैं, 38 साल हो गए आपकी शादी को, तो अब हमें देखना है कि एक दूसरे पे आप कितना गौर करते हैं। आपने मैम की तरफ नहीं देखना है, बिल्कुल गौर नहीं किया। और आपने एक बात बतानी है कि आज उन्होंने कौन से कलर की नेल पॉलिश लगाई है। उन्होंने नेल पॉलिश लगाई ही नहीं है। सच? ऑलमोस्ट न्यूड है। नो, इट्स अ वेरी अच्छा ट्रांसपेरेंट है, तो न्यूड है। न्यूड कलर। हां, मतलब ना ही एक्सेप्ट करना चाहिए आंसर। आप भी काफी हद तक सही है, मतलब। और ये वाली नेल पॉलिश जो होती है वो अक्सर हीरोज लगाते हैं। अच्छा। हां, क्योंकि उनको शाइन चाहिए होती है लेकिन कलर नहीं होता। अच्छा। वाह दादा। मैं अंदर की बात बताऊंगा बाद में कौन कौन लगाता है। अच्छा सुप्रिया मैम ने कौन से वाले रिंग पहने आज, छोटे वाले के बड़े वाले? मीडियम वाले। मीडियम वाले। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, मतलब वाह दादा, 38 साल के बाद भी बड़ा गौर करते हैं। मैम के सैंडल कौन से रंग के हैं? बेज। दिखाओ। नहीं, बेज तो नहीं है, आपसे ये वाली चीजें पूछनी नहीं है। अच्छा। आपसे मैं ये बोलूंगा कि झूठ बोलने में आप इन्हें 10 में से कितने नंबर देती हैं? 10 है? वाह दादा, 100% किसी किसी को मिलते। So proud of you. और मैंने बहुत मेहनत की है इस चीज के लिए। ये अवार्ड मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है। वाह दादा, बहुत बहुत मुबारक आपको। रोमांटिक होने में आप इनको 10 में से कितने नंबर देती हैं? 10, वो भी 10 दूंगी। ओहो वाह। क्योंकि इनका रोमांस का आइडिया गाना गाना, यू नो। देखो, मैं जब भी मौका मिलता है ना, तब मैं काम से जब घर आ रहा होता हूँ तो मैं अपनी बीवी के लिए फूल लाता हूँ। How sweet. How sweet, दादा, क्या बात है? गजरा। सचिन, परमीत used to get me roses every day, you know, जब शुरू कॉर्टशिप में, और 3 रोज, मतलब एक रोज आए, एक दूसरा रोज लव एंड यू। मैंने उसको एक महीने बाद बोला, क्यों पैसे वेस्ट कर रहा है? तो बेचारा बोलता था, मतलब मैं इतनी अनरोमांटिक लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे याद है आपने कहा था कि गोभी का फूल ले आया करो, खा लिया करो। दैट्स अ बेटर आईडिया। ओके लास्ट, घर के कामों में कभी कभी, स्पेशली जब अभी पैंडेमिक था, तो घर के मामलों में हेल्प कराने में 10 में से कितने नंबर देती हैं आप? 6 या 7। अच्छा। 5-6, जो क्योंकि ऐसे काम करते हैं जो उनको उनको करने हैं, जो उनको ऐसे अच्छे उनको लगते हैं। हाँ बस, मतलब उससे ज्यादा ये करो बोलेंगे तो नहीं चलेगा, पर खुद के काम कम से कम वो अच्छे से कर लेते हैं। वेरी नाइस। आप दोनों पति पत्नी ने बहुत ही ईमानदारी से सवालों का जवाब दिया, जनता जनार्दन ने बहुत इंजॉय किया। अब जो है सुपुत्री जी से सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा। तो श्रेया, दोनों में से घर में किसकी ज्यादा चलती है? पर एक मिनट, एक्चुअली सच बताऊं तो इन्हें लगता है इनकी ज्यादा चलती है, और इन्हें लगता है कि इनकी ज्यादा चलती है, पर एक्चुअली मेरी ज्यादा चलती है घर में। देखिए क्या है, सिंपल बात है। हाँ। ये इतनी समझदार है। हाँ।
कि इसकी माँ जो है इसकी सुनती है, मैं इसका बिल्कुल कुछ नहीं सुनता, जो ये कहती है मैं सिर्फ करता हूँ। वो होता ना जैसे फिल्मों में दिखाते थे, मम्मी पापा का झगड़ा हुआ तो बच्चे के थ्रू बात करते हैं, है ना, माँ भी बोलती है कि बेटा अपने पापा से कहो खाना ऑर्डर कर ले, फिर बाप भी कहता है अपनी माँ से कह दो मैं खा के आया हूँ, है ना, ऐसे फिल्मों में हम देखते थे। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, बट ऑनेस्टली मैं वो सिचुएशन टू सिचुएशन हैंडल करती हूँ, बट मुझे हाँ कभी कभी हैंडल करना पड़ता है। बट सॉरी पहले कौन बोलता है मम्मी पापा के बीच? इन्होंने मुझे जिंदगी में कभी सॉरी नहीं बोला। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू, नहीं सॉरी मैं ही बोलता हूँ। आपको क्या लगता है आने वाले समय में कभी ऐसा होगा? आपको लगता है? ना ना, सवाल ही नहीं। अब मम्मी पापा में दोनों में से लेजी कौन है? एक्चुअली लेजी नहीं, दोनों अपने मतलब अपने अपने तरीके से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। सुबह उठने के हिसाब से बोल, सुबह उठने के हिसाब से पापा सुबह उठने के हिसाब से पापा लेजी, और आई रात को अगर कहीं जाना है पार्टी इवेंट उस मामले में मम्मी बहुत लेजी है। मतलब दोनों लेजी पार्टी है। या मतलब दोनों लेजी है, अलग अलग टाइम पे लेजी, टाइम पे लेजी है एक्चुअली। और मैंने कभी इसकी आदत बिगाड़ी भी नहीं है, मतलब अगर उसको आदत पहले से आदत अपने घर पे 9 बजे रात को सोने की। अच्छा, 9 बजे नहीं सोती हूँ, आपका शो देख के सोती हूँ, लेट होती हूँ। दादा एक अगर ऐसी कोई चीज, अच्छी चीज जो सुप्रिया मैम की क्वालिटी आपने अडॉप्ट करनी हो तो कौन सी होगी? वो एक नहीं, हाय 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 सचिन, आज तो इतनी ब्राउनी पॉइंट्स लेकर जा रहे हो ना तुम घर इतने ज्यादा। फैक्ट है अर्चना, मेरी जिंदगी में जमीन आसमान का बदलाव हुआ है मेरी शादी के बाद, और वो सिर्फ मेरी बीवी की वजह से। क्या बात है दादा। दादा आपकी इतनी खूबसूरत बात के लिए मैं आपको ये सबसे महंगा वाला फ्रूट, वो उनको पसंद नहीं है, गिफ्ट करता हूँ। इसको खाना कैसे मुझे पता नहीं है, कई हफ्तों से पड़ा हुआ है, मुझे भी नहीं समझ आ रही। ये उन्हें पसंद नहीं है, मैंने इसीलिए दिया ताकि ये वापस रख दें, हमारा अगले एपिसोड में भी काम आए। श्रेया मम्मी और पापा में से दोनों में से ज्यादा आपको डांटता कौन है? कोई नहीं है डांटता। नहीं, नहीं। मम्मी डांटती है? हाँ मम्मी डांटती है, पर वो मतलब लाइक आई सेड हम दोस्त हैं तो हम अभी ऐसे हो गया ना, मुझे पहले लगता था हम मुझे मेरी बेटी मेरे दोस्त जैसी होनी चाहिए, अब लगता है मैं क्यों अभी ऐसा हो गया कि दोस्त बन गई हूँ ना तो मेरी कोई ज्यादा ही दोस्त बन गए। पर आजकल मैं डांटने लग गई हूँ। अच्छा। हाँ मतलब अगर सेहत का ख्याल नहीं रखा हाँ। जा रहा तो मतलब वो मुझे पसंद नहीं है तो मैं उन चीजों पे कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ। जैसे श्रेया ने कहा ना कि मैं अपनी मम्मी को डांट देती हूँ कि जब अपना ख्याल नहीं रखते, मेरी माँ भी सामने बैठी हुई ना, वो देखो हंस रही है। अरे नमस्ते। मैंने एकदम अंधेरे में तीर चलाया वैसे ही, मम्मी बाहर से आई, मैं मम्मी आइसक्रीम खा के आई ना, कहती नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने समोसे जरूर दो खाए। अंधेरे में तीर चला तो पकड़ी जाती है, तो ये भी ऐसा करती है मेरी माँ। आपकी माँ भी आपको डांटती है आज भी? अरे मुझे डांटती है, एक दिन किचन में जाके मेरे कुक से लड़ रही थी, तू मेरे बेटे का घर तू कौन होता है मुझे रोकने वाला आइसक्रीम खाने से। तो मैं पीछे पहुंच गया तो देखा कटोरी लेकर खड़ी हुई मम्मी आइसक्रीम खा रही है, ऐसी बातें भी करती कभी कभी। चलो कोई बात नहीं, माफ किया तुझे मम्मी। ओके इसी के साथ हमारे सवाल समाप्त होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गीत गाता चल 75 में रिलीज हुई जी, 80 में बराबर 80 में कलर जो है वो शुरू हुआ, और पहला चेहरा कलर में जो इंडिया में लोगों ने देखा वो मेरा था। अच्छा, वाह। कोइंसिडेंस देखिए, मैंने इसको सबसे पहले टीवी पे देखा और मेरे दिमाग में ये बात आई, 84 में देखा और 80 में इसने मुझे पहली बार देखा, और फिर क्या हुआ बताओ? ये फिल्म देखी होगी पता नहीं, पर एक दिन सपने में मेरे ये आए थे, ये गाना गा रहे थे। अभी मुझे लगता है कि ये हमारी जो meant to be, it is meant to be. मतलब ये सिर्फ इस जन्म का नहीं है मेरे हिसाब से, लगता है। काफी जन्मों से भुगत रहा हूँ। दा आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स वगैरह डालते हैं, जनता हमारी जो है हिंदुस्तान की बड़ी क्रिएटिव हो गई है, बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं नीचे, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ फोटोग्राफ्स। ये दादा ने फोटो डाली है, मेड थाई करी फॉर संडे लंच, लव कुकिंग फॉर माय फैमिली। वाओ दादा सीरियसली आप हर संडे को करते हैं? दादा हर संडे नहीं लेकिन करता हूँ, संडे को करता हूँ। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं नीचे क्या है। सर इसको थाई करी क्यों बोलते हैं, क्या इसे जांघ पे रख के खाते हैं? किसी ने रिप्लाई किया उनको, ऐसी बातें करके ही तुम्हारे जैसे लोग चार रिश्तेदारों के बीच बेइज्जती करवाते हैं।
आप जैसे लोगों के चक्कर में हम पतियों के घर में कलेश होता है. वाइफ कहती है वो सचिन होके खाना बना रहे हैं, तुम बाबूलाल होके नखरे कर रहे हो. और दिखाइए. एक दिन बनाना पड़े तो आदमी ऐसे हंसता है, 7 दिन बनाना पड़े तो प्रेशर कुकर से ज्यादा धुआं छोड़ता है. मुझे भी एक ऐसे लड़के की तलाश है जो मुझे पूरे हफ्ते इटालियन, मैक्सिकन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, हर तरह की डिशेज बना के खिलाए. किसी ने रिप्लाई किया, हमारे नुक्कड़ पे एक चाइनीज का ठेला लगाता है. कहो तो उसकी फोटो भेजूं. और दिखाइए. ये सुप्रिया जी ने फोटो डाला है, बॉन्डेड ओवर डॉटर्स श्रेया पिलगांवकर एंड शिखा तलसानी. अच्छा, टीकू जी हैं साथ में. हाँ. वाओ. आइए. अच्छा, क्या भटूरे रखे हैं सामने? मॉर्निंग ऑन छोले भटूरे. हाँ, बंदे नहीं पहचाने, भटूरे पहचान लिया आपने. सीधा भटूरे पे नजर जाती. वाह, जैसे आप कह रहे हैं ना आंखों से खाते हैं. ये देखना, 2 मिनट देखेंगे ना फोटो में से भटूरे गायब हो जाएंगे. तूने जो 10 भटूरे यहाँ लगा रखे हैं टी शर्ट के नीचे, वो ये देख. आइए कॉमेंट्स पढ़ते हैं. मैंने बोला जो आपने नीचे रम की बोतल रखी है, मैंने कुछ कहा? सुप्रिया जी भी लाइक, बहुत कमजोर हो गए हो टीकू, लो एक और खाओ. नहीं. सुप्रिया जी टीकू जी को दिखाते हुए, हलवाई कितना भी कोशिश कर ले भटूरा तुमसे ज्यादा नहीं फूल सकता. वेरी नॉटी कमेंट. और दिखाइए आगे. ये जो लड़कियां भटूरे का तेल टिश्यू पेपर से पोंछ लेती हैं, हाँ. इससे क्या भटूरा हेल्दी हो जाते हैं? गिल्टी गिल्टी. किसी ने उसको रिप्लाई किया, सवाल ये है जब टीकू जी टिश्यू से मुंह पोंछते हैं तो क्या उनका तेल कम होता है? So mean. और दिखाइए. श्रिया ने ये फुट डाला, आई कैन नेवर रेजिस्ट बुड्ढी के बाल. हाँ यार, इतना बड़ा, ये हमारे तो छोटा सा आता था, इतना सा ये तो बहुत बड़ा है. लगता है बुड्ढी के सारे बाल खींच लिए. आइए नीचे कॉमेंट देखते हैं. खाली बुड्ढी के ही बाल क्यों होते हैं? किसी ने रिप्लाई किया, क्योंकि आदमी के बाल बुड्ढे होने से पहले ही उड़ जाते. अच्छा, सही है. और दिखाइए. मैं जब भी ये खाता हूँ तो चिपचिपे हाथ चुपके से दोस्त के कपड़ों में पहुंच देता हूँ. आप भी करती हो क्या? उसने रिप्लाई किया, तू तो बदतमीज है, ये पढ़े लिखे घर की है. और दिखाइए. दादा ने फोटो डाला, वेंट टू गोवा फॉर द वीकेंड टू स्पेंड टाइम विद श्रिया, वी आर शूटिंग देयर, शॉर्ट ट्रिप बट सो मच फन विद द फैमिली. इतनी इंग्लिश दादा. Also visited our Kul Devi temples. Nice picture. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. सचिन सर और सुप्रिया मैम नदिया के पार देख रहे थे, किसने डिस्टर्ब कर दिया? अच्छा, वर्ड प्ले किया है, नदिया के पार देख रहे थे. ये भी कमाल है, गोवा जाकर भी इन्होंने बनारस जैसी जगह ढूंढ ली. ना फिरंगी दिख रहे हैं ना बियर. और दिखाइए. सचिन सर, ये क्या आपने शाम ढलने से पहले ही गिलास हाथ में ले लिया? अच्छा, गिलास है. रिप्लाई, भाई वाइफ साथ में है तो ग्लास में नींबू पानी ही होगा. देखो लोग क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं. और दिखाइए. सुप्रिया मैम ने फुट डाला, ओ माय गॉड, द स्पेसशिप हैज अराइव्ड, जस्ट वेटिंग टू डाउनसाइज माय सेल्फ सो आई फिट इन इट. दैट्स सो क्यूट. ड्रोन. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. ये कौन सा पक्षी है? रिप्लाई किसने किया, ये ड्रोन है. ड्रोन कहाँ का पक्षी है? किसी ने लिखा, कभी अपने गाँव से बाहर निकले. ड्रोन कहाँ का पक्षी. और दिखाइए. सुप्रिया जी एक बात बताओ, ऐसे उड़ने वाले कैमरा से मैं अपने पति पे नजर रख सकती हूँ क्या? ये ड्रोन बहुत खतरनाक चीज है. मेरे भाई की शादी में टेंट के पीछे इसने मेरे ताऊ को पूरी बेलने वाली के साथ. और दिखाइए आगे. Dangling my legs outside the window of this beautiful old puffin billy making. ये कौन सी इंग्लिश है? Puffin billy train steam engine का नाम. ये तो इंग्लिश में भी इंग्लिश लिखी हुई है आपने. ओह, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. ये जरूर बाहर की फोटो होगी, इंडिया की होती तो पकौड़े वाला और चाय वाला साथ में भाग रहे होते. कितना भी लिखा हो कि चलती गाड़ी से हाथ बाहर ना निकाले, लड़कियां फोटो के लिए इतना रिस्क ले ही लेती हैं. ये टॉय ट्रेन होती है, फोटो खींचने के लिए ज्यादातर होती है. क्लियर कर देते हैं. ट्रेन का हॉर्न खराब हो गया इसलिए मुंह से पौं की आवाज निकाल रही है. और दिखाइए. हेयर एंड नाउ. सचिन सर ये कहाँ का फोटो है? ये सिंगिंग कॉन्सर्ट था मेरा. अच्छा जी, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं.
गाना गाकर इनका गला दुख गया, अब ये गुस्से में उसे देख रहे हैं जिसने वंस मोर की डिमांड की थी। जब गाने के बीच में कोई कहे ये भी अनाउंस कर दो, नीली चड्डी और पीली शर्ट वाला बच्चा जिसका हो ले जाए। सचिन जी भी लाइक, ये मुझे बाबू राव किसने बोला रे। सचिन जी गुस्से में है, इन्होंने गाना शुरू किया ही था और उतने में पानीपुरी की स्टॉल खुल गई। और दिखाइए, श्रिया ने फोटो डाला है, होला अमीगोस, फिर वैसी वाली। अच्छा ये तो, वो ये तो मतलब स्पैनिश में बोलता है ना। अच्छा, होला अमीगोस, होला। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपकी ही बिल्डिंग से बार्सिलोना लग रहा है, सामने वाली बिल्डिंग से तो मलाड लग रहा है। आपकी बालकनी तो पूरी खाली है, हमारे यहाँ तो इस पर दादाजी की लुंगी और पिताजी के कच्चे सूख रहे होते। हाय, आप स्पेन में हैं तो मेसी को मेरा हाय बोलना, आई एम मेसी फैन। इसने रिप्लाई किया, भाई मेसी अर्जेंटीना का है तो तू अर्जेंटीना जाके बोल दे। और दिखाइए, खत्म, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए दादा, दादा बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच सुप्रिया मैम, थैंक यू श्रिया, थैंक यू। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।